के वीडियो में हम लोग एक डिफरेंट तरीके की बीट बनाने की कोशिश करेंगे जो खास करके इंस्टाग्राम रील्स के लिए या फिर फन वाइब देने के लिए बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं। सिर्फ FL Studio के कॉन्सेप्ट प्लगइन आप यूज कर सकते हैं, दूसरे VSTs में मैंने यहाँ पे यूज किया है वो सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। खास करके जो whistling tone है FL Studio में या फिर कोई भी DAW में क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Hi everyone, this is Raj from Studio 9. अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को चेकआउट करना मत भूलिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडियो 1, FL Studio, Cubase के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन, अरेंजमेंट, कौन से VSTs अच्छे हैं, कीबोर्ड ट्यूटोरियल्स, इंडियन इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कई सारे ट्यूटोरियल्स हैं। इफ यू आर अ म्यूजिशियन आई थिंक यू विल लव दिस चैनल, डू चेक इट आउट। तो आज के वीडियो में जो बीट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं ये बहुत ही यूनिक तरह की बीट है। सबसे पहले फोकस करते हैं जो इसका व्हिसल है वहां। ये जो व्हिसल है ये है रियली व्हिसल जो एक्चुअली बनाया गया है रियली टोन की नाम कंपनी के द्वारा, जहां पे व्हिसलिंग टोन जो कि बहुत ज्यादा काम में आता है अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बनाना चाहते हैं खास करके, या फिर कोई हैप्पी वाइब वाला म्यूजिक बनाना चाहते हैं उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा काम में आ सकता है। जनरली हम लोग जो सिटी बजाते हैं वहां पे जैसा रैंप रहता है वो वैसा आप यहां पे सिंपली कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे सिंपली प्ले कर रहा हूं, बहुत सारे की स्विचेस हैं उसमें मैं बाद में आता हूं, लेकिन अगर की स्विचेस आप नहीं भी यूज करते हैं तो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ये कॉन्टैक्ट प्लेयर हैं, तो कॉन्टैक्ट का फ्री वर्जन अगर आपके पास है तो आप ये यूज कर सकते हैं। तो अभी आते हैं इसका जो इंटरफेस है इसमें, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, सिर्फ व्हिसल के लिए आपको ज़्यादा कुछ मॉड्यूलेशंस चाहिए भी नहीं। अगर सिर्फ ये जो लिगाटो वाला वर्जन है ना ये थोड़ा आप शॉर्ट भी रख सकते हैं वैसे, तो ये अगर आप इनेबल कर देते हैं तो आपके नोट टू नोट जो ट्रांजिशन है वो बहुत बहुत स्मूथ हो जाता है। ये जो नेचुरल फील है ना ये करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, काफ़ी सारे VSTs में ये नहीं रहता है। व्हिसल का जो वाइब्रेटो है वो यहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लू नोट्स आपको दिख रहे होंगे, ब्लू या ग्रीन, वॉट एवर यू कॉल इट, काइंड ऑफ अ सी ग्रीन। तो यहाँ पे आप इसको, इसका जो रेंज है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, वैसे चाहिए नहीं होता है, जो नॉर्मल रेंज है उसी से हो जाता है। और यहाँ पे एक रिवर्ब का ऑप्शन भी है, कितना रिवर्ब आपको चाहिए वो आप दे सकते हैं। वैसे ये भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि DAW में आपको अच्छा रिवर्ब मिल ही जाएगा। और यहाँ पे अटैक रिलीज है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अटैक और रिलीज को मत छेड़िए। अगर आप चाहते हैं व्हिसल के साउंड को बहुत ज़्यादा चेंज करना तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, बट आई डोंट रियली रिकमेंड इट। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है यहाँ पे नॉर्मल मोड, एयरी मोड और मिक्स मोड। तो बेसिकली दो तरह के सैम्पल्स यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था, व्हिसल सैम्पल्स। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जो पैटर्न है इसको मैं सुनाता हूँ, अभी एयरी वर्जन जो है, और अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आप कितना आपको नॉर्मल चाहिए कितना एयरी चाहिए वो आप यहां पे मिक्स कर सकते हैं। और मेन जो चीज है वो है की स्विचेस। तो यहां पे जो येलो बटन्स आपको, येलो जो नोट्स आपको दिख रहे हैं वो एक्चुअली की स्विचेस हैं। तो यहाँ पे जो रैंप होता है और जो रैंप डाउन होता है, फॉल बोलता है उसको, ये जो चीज़ है ये व्हिसल का जो नेचुरलिटी है, जो रियलिज्म है, उसको लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। मैं आपको दिखाता हूँ ये मैंने कैसे प्रोग्राम किया है। तो ये देखिए, ये जो नोट है यहाँ पे मैंने एक E3 दे दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं E3 जो नोट है, यहाँ पे E1 है, FL Studio में E3 होगा। इसका मतलब क्या है कि रैंप लॉन्ग, मतलब ऐसा करके ऊपर जाएगा ये, है ना, बहुत ही शानदार है। और यहां पे देखिए ये वाला जो नोट है ये डाउन होता है, ये मैं आपको प्ले करके सुनाता हूं यहां पे। तो ये जो है दिस इज फॉल, तो यहां पे मैंने सी शार्प देखे रखा है कि एक शॉर्ट फॉल वहां पे मुझे चाहिए। तो ये सारे अगर आप इंक्लूड कर देते हैं आपकी प्लेइंग स्टाइल में, या फिर अगर आप खुद पियानो रोल में लिखते हैं तो भी आप ये कर सकते हैं, तो आपका जो व्हिसल है बहुत ज्यादा नेचुरल हो जाता है। अभी यहाँ पे और एक चीज है जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर द वॉइसेस, एक वॉइस, दो वॉइस, तीन वॉइस हैं। और अगर आप चाहते हैं डिफरेंट तरीके से आप इसको मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पे एक मिक्सर दिया हुआ है। तो ये है मेन वॉइस इसका, तो अगर आप चाहते हैं दूसरा वॉइस ऐड कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं इसको,
डीट्यून कर सकते हैं। और थर्ड वॉइसेस भी हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अभी जैसा कि मैं करता हूँ हमेशा, जो स्टूडियो 9 की चैनल में आपको एक्सक्लूसिवली मिलता है वो ये है कि यहाँ पे मैं सिर्फ VST को आपको दिखाता नहीं हूँ, इसको कैसे यूज़ करना है विद द कंटेक्स्ट ऑफ ए सॉन्ग वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे अरेंजमेंट है, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अरेंजमेंट के साथ ये कैसा साउंड कर रहा है आप एक बार सुन लीजिए। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत ही सिंपल हैं। तो सबसे पहले हैं यूकेलेली। तो ये जो यूकेलेली हैं यहाँ पे, ये स्टूडियो 9 की जो लूप्स हैं वहां से ये आ रहा है। इसको मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे एक स्टीरियो शेपर दिया है मैंने और थोड़ा सा मैंने हाई बूस्ट कराया है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक कहोन है, तो ये जो कहोन लूप्स हैं और यूकेलेली लूप्स हैं ये स्टूडियो 9 के लूप्स हैं। अगर आपको ये लूप्स चाहिए, ये लूप्स अगर आपको परचेज करना है तो आप जा सकते हैं स्टूडियो 9 की वेबसाइट पे studio9musicproduction.com/shop। थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा तो फिर बहुत सारे टेम्पलेट्स, लूप्स, मिडी लूप्स आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे लूप्स एक्चुअली फ्री हैं यहाँ पे, तो अगर आपको यूकेलेली और कहोन लूप्स या फिर गिटार लूप्स या फिर तबला लूप्स चाहिए तो जरूर आप ये चेकआउट करिए। इसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली एक बेस गिटार है जो आ रहा है FL स्टूडियो का ही इंटरनल इंस्ट्रूमेंट फ्लेक्स के साथ। यहाँ पे फ्लेक्स का एक एसेंशियल बेस गिटार में जो 5-string बेस गिटार है वो मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा बेस गिटार है। और इसके बाद है पियानो जो कि बिल्कुल आ रहा है फ्लेक्स से, अगेन फ्लेक्स एसेंशियल पियानोस स्टेनवे डी लाइट। अगर आपका रैम ज्यादा है तो स्टेनवे डी भी आप यूज कर सकते हैं, स्टेनवे डी लाइट इज नॉट बैड। एक और चीज है वो है बेल्स, तो बेल्स के लिए मैं सिमसिंथ यूज कर रहा हूँ, ये भी FL स्टूडियो का इंटरनल प्लगइन है। यहाँ पे एक बेल्स हाई करके एक प्रीसेट है, अगर आप जाते हैं यहाँ पे दिस वन बेल्स हाई, तो बहुत अच्छा साउंड है बेल्स का, तो आप उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। खास करके ऐसे जो ट्रैक्स होते हैं, ऐसे जो बीट्स होते हैं वो इंस्टाग्राम रील्स में काफी ज्यादा यूज होता है, या फिर कोई भी हैप्पी फीलिंग वाला गाना आपको चाहिए बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट रिदम क्रिएट करना है, तो आप ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको ये परचेज करना है रियली टोन का जो विसल है, बहुत ही कम दाम है, सिर्फ $29 है, तो आप रियली टोन के साइट में जा सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है और आप ये परचेज कर सकते हैं। ये अगर आपके पास है तो विसल के लिए इन फ्यूचर आपको और कोई भी VST नहीं चाहिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड कीप मेकिंग म्यूजिक।